वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड हाईएस्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड सॉल्वेबल फॉर पी जो कि डिस्क्रिप्शन में है, यदि नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं आप। तो दूसरा मेथड है सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड। तो हम कब समझेंगे कोई क्वेश्चन में हम सॉल्वेबल फॉर एक्स लगाएंगे? तो यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में आप लिख पाओ, एक्स इक्वल टू एफ वाई को आप पी के फॉर्म में लिख पाओ, तो उस इक्वेशन को आप सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड से आसानी से कर पाओगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वर्किंग रूल क्या है? तो इसको हम क्या करते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये आ जाता है dx / dy इक्वल टू ये। तो हम जानते हैं इसको 1/p लिख सकते हैं, क्योंकि हम p को जानते हैं होता है p इक्वल टू होता है dy / dx। तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx / dy। तो हम यहां पे वही लिखे 1/p इक्वल टू ये लिखे हैं। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब इसका फैक्टर करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब इसका फैक्टर करके आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन थर्ड मिला के पी को एलिमिनेट करते हैं, पी को हटाने की कोशिश करते हैं। जब पी को हटाने के बाद जो अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन बनता है वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पी स्क्वायर वाई प्लस टू पी एक्स इक्वल टू वाई, इसको कैसे हम करेंगे? तो इसको हम सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि x देखने एक बार आ रहा है तो x के टर्म में हम पूरे फंक्शन को लिख पाएंगे, इसलिए कर पाएंगे। देखिए y दो बार आ रहा है इसलिए ये सॉल्वेबल फॉर y मेथड से होगा नहीं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं p वाला को। लेकिन आइए इसको हम करते हैं सॉल्वेबल फॉर x मेथड से। तो हम पहले क्या करते हैं, x के टर्म में पूरे फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखते हैं, क्या हो जाएगा, वाई माइनस ये वाला टर्म उधर जाएगा, पी स्क्वायर वाई, अब ये 2p नीचे चले जाएगा 2p। अब इसको क्या अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई 2p माइनस ऊपर 2p है नीचे p, ऊपर पी स्क्वायर है नीचे p है, क्या बचेगा, p बचेगा p बाय 2y। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट With respect to y, both side, we get. उसके बाद हमें पार्ट क्या होता है, देखिए डी एक्स वाई डी वाई, इसको हम जानते क्या लिखते हैं, 1 बाई पी लिखते हैं इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, मतलब टोटल u इंटू v पे ले लेते हैं 1 बाई टू पी, U मान लेते हैं y को और v मान लेते हैं 1 by 2p को। अब देखिए इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 by 2p को रोक लेते हैं, dy by dx करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, हम y by 2 को रोक लिए, d 1 by p करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, फिर सॉरी ये हो जाएगा dp के रिस्पेक्ट में इंटू dp बटा dy हो जाएगा, ये तो चेन रूल पढ़े हैं। उसके बाद देखिए फिर सेकंड वाले में आते हैं, क्या हो जाएगा, p by 2 dy by dy हो जाएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा, और y by 2 into dp बटा dy, यहां तक समझ गए? अब देखिए इसको छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 by 2p equal 1 by p equal to 1 by 2p डीवाई बाई डी वाई तो 1 होगा प्लस वाई बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई पी विथ रिस्पेक्ट टू डी पी माइनस 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर डी पी बट्टा डी वाई माइनस, फिर ये 1 हो जाएगा पी बाई 2, ये क्या हो जाएगा वाई बाई 2 इंटू डी पी बाई डी वाई। अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय पी में से घटाते हैं 1 बाय 2 पी, एलसीएम 2 पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 डेट इज 1 बाय 2 पी, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय 2 पी, इसमें से इसको घटा दिए क्योंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये पी प्लस
टू को इधर लाते हैं, ऐसा हो गया। अब देखिए इधर आइए, अब ये टर्म को भी इधर लाते हैं, क्या ये भी है माइनस माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये टर्म को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू को इस साइड ला रहे हैं तो हो जाएगा प्लस वन बट्टा टू पी स्क्वायर डी पी बाय डी वाई। अब ये भी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस वाई बाय टू डी पी बाय डी वाई इक्वल टू जीरो। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, इसमें देखिए वन बाय टू कॉमन यदि ले लो तो क्या हो जाएगा, या कॉमन नहीं भी लोगे चलोगेगा तो वन बाय टू पी प्लस पी बाय टू हो गया। ये टर्म को वैसे लिख दिए, इसमें से देखिए डी पी बाय डी वाई डी पी बाय डी वाई कॉमन आ रहा तो लिखते हैं हम पहले y कॉमन ले देते, दोनों में y 2 तो इसमें भी है तो रहने देते हैं, y और p कॉमन लेते हैं इधर से क्या हो जाएगा, और dp by dy इधर कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या बचेगा इसके अंदर, वन बट्टा टू पी, एक p तो कॉमन ले लिए, अब देखिए इसमें क्या बचेगा, ऊपर मतलब pp से डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बच जाएगा, पी बाय टू हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम आ रहा, ये दोनों ले लीजिए वन बाय टू पी प्लस पी बाय टू प्लस ये क्या हो जाएगी वन प्लस वाई बाय पी डी पी बाय डी वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखने वाली बात है, या तो इसको जीरो करोगे या तो इसको जीरो करोगे, जब इसको आप जीरो करोगे तो क्या होगा, p का वैल्यू मिलेगा आपको पर यहां से कॉन्स्टेंट का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर डिग्री, तो इसमें एक कॉन्स्टेंट तो नॉर्मल चाहिए हमको, पर यहां से p का वैल्यू मिल रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट का वैल्यू नहीं मिलेगा, c का वैल्यू नहीं आएगा कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए इस टर्म को हम क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं, इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसको जीरो पुट करते हैं तो थोड़ा हम मिटा लेते हैं इधर, इसको जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा वन वाई वाई सॉरी वन प्लस वाई बाय पी डी पी बाय डी वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या करो आप, ये वन को इधर ले जाओ वाई बाय पी डी पी वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वन। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना आता है डी पी बाई पी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस कॉन्स्टेंट ले लेते हैं लॉग सी, ये क्या हो जाएगा log p इक्वल टू log c by y log log m माइनस log n log m by n। तो देखिए log से log कैंसिल p इक्वल टू c by। अब p का ये वैल्यू यहां पे रख देंगे अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, तो p का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसको फर्स्ट मानते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ P in equation first, in equation first we get solution, हमें solution प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा c square y square into y plus 2 c by y into x equal to y। अब देखो एक वाई से एक वाई है तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, वाई एलसीएम लेके इधर कर देते हैं क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। आइए देखते हैं बड़ा ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर लाइक वाई इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे पी जो है जो है वो है डी वाई बाई डी पी डी वाई बाई डी एक्स
तो देखिए y की जो टर्म है दो बार आ रही है, x वाली टर्म सी थी एक बार आ रही थी, इसको सॉल्वेबल फॉर x मेथड से कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या करेंगे हम, x का पहले वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर log y माइनस पी स्क्वायर बट्टा पी वाई, सेपरेट करिए इसको, क्या हो जाएगा y बाई पी log y माइनस पी बट्टा वाई, एक पी से एक पी कर कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा dx by dy इक्वल टू वन बाई पी को रोक लेते हैं, डी वाई लॉग वाई को डी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं वाई लॉग वाई को रोक लिए चेन रूल, फिर इसको हम करते हैं वन बाई पी को डी पी के रिस्पेक्ट में, फिर डी पी को डी वाई के रिस्पेक्ट में, इसका हो गया काम मेरा। अब इसका काम करेंगे हम, ये है माइनस पी को रोके डी वन बाई वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा वन बाई वाई डी पी का डी वाई के रिस्पेक्ट में। आइए अब डिफरेंस इसका वैल्यू जानते हैं, वन बाई पी होता है, ये क्या हो जाएगा वन बाई पी वाई का, क्या वाई को रोकेंगे लॉग वाई का वन बाई वाई होगा प्लस लॉग वाई वाई का वन हो जाएगा, तो ये हुआ। अब आइए इधर वाई लॉग वाई तो है, क्या होगा माइनस वन बट्टा पी स्क्वायर डीपी के रिस्पेक्ट में बट्टा डी पी बाई डी वाई, इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बट्टा वाई स्क्वायर, और पी पीछे था तो पी से मल्टीप्लाई माइनस वन बाई वाई डी पी बाई डी वाई। अब देखो ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई पी इक्वल टू वन बाई पी मल्टीप्लाई करो, इसको हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग वाई बट्टा पी प्लस वाई लॉग वाई बट्टा पी स्क्वायर, ये माइनस पी से कर दिया डी पी बाई डी वाई प्लस पी बाई वाई स्क्वायर माइनस वन बट्टा वाई डी पी बाई डी वाई डी पी बाई डी वाई। अब देखिए ये से ये उड़ रहा, अब ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं y log y by p square plus 1 by y dp by dy, दोनों में है बाहर कॉमन ले लिए हैं, इसमें भी dp by dy इसमें भी dp by dy कॉमन ले लिया हमने। अब ये वाला क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं log y बट्टा p plus p by y square, दो बच्चा इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें से y y by p कॉमन लेते हैं, y by p कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा log y बट्टा p प्लस p by y स्क्वायर, कॉमन लिए तो हो जाएगा ये ऐसा dp by dy माइनस इसमें क्या है log y बट्टा p प्लस p by y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों सेम आ रहा, ये और ये टर्म सेम आ रहा, तो इधर हम करते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये कॉमन ले लीजिए log y बट्टा p माइनस सॉरी प्लस p by y स्क्वायर, तो बचेगा क्या इसमें से y by p y by p dp by dy, इसमें से माइनस वन बचेगा माइनस वन इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा, पर बोले थे इसको जीरो करिएगा तो क्या कंटेंट नहीं आएगा, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री है तो फर्स्ट ऑर्डर है तो एक कॉन्स्टेंट तो कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ से पी की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगी मेरे को, इसलिए ये टर्म को हम निगलेक्ट करते हैं, इसको जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा वाई बाई
पी डी पी बाय डी वाई इक्वल टू वन। अब देखिए वेरिएबल को सेपरेट करिए, डी पी बाय डी वाई डी पी बाय पी इक्वल टू डी वाई बाय वाई। अब इसको तो यहां से जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे। जब इंटीग्रेशन लगा, जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग पी इक्वल टू लॉग वाई सी प्लस सी लॉग सी लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब देखिए लॉग पी इक्वल टू लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन वाई सी, ये से ये कट गया, पी इक्वल टू वाई सी। अब पी का वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, पी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, क्या बनेगा इक्वेशन अपना, y स्क्वायर log y इक्वल टू x y स्क्वायर c प्लस y स्क्वायर c स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।